हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आज सुबह मैं इस पे वीडियो बनाने लगा था बट मैं थोड़ा सा बिज़ी था मैंने आप लोगों को सुबह एक पोस्ट शेयर करके बताया था आ, आप लोग अगर हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़े हैं या टेलीग्राम पर आप लोगों में बताया था आज सुबह एक यानी वन कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम था जेके आई टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू में जो था ग्रेटर कैलाश में जो पहला बैच था सी एग्ज़ाम का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वहाँ पे थोड़े से टेक्श टेक्निकल इशू आए सर्वर में जिसकी वजह से एग्ज़ाम को रिशेड्यूल करने के लिए जेके एस ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला था बट यहाँ पे ये जो चीज़ है बोलना या कहना देखो ये जो टेक्निकल इशू है ये किसी भी जगह कभी भी आ सकते हैं लेकिन अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और जेके एस के लिए भी ये चीज़ है कि अगर आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आप लोग ऑब्वियस है कि उनको काफ़ी पैसे देते हैं तो उनसे पहले दो तीन बार ट्रायल करवा के ही प्रॉपर बच्चों को बुलाया जाए क्योंकि ये जो 142 कैंडिडेट्स हैं मैं यहाँ पे सिर्फ आज इन वन कैंडिडेट्स की बात करूंगा क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ एक बार हुई है एग्जाम देते हुए सर्वर में थोड़ी सी इशू की वजह से एक सी टेस्ट का यही प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा भी इशू अगर आ जाए अगर मान लीजिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं एक घंटे का एग्जाम है अगर पाँच मिनट का इशू भी अगर आता है तो आप फिफ्टी फाइव मिनट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपना आप हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाते तो जेके एस एस इन फ्यूचर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें जेके एस एस ने तुरंत थोड़ी देर बाद ही ये पोस्ट डाल दिया था ट्विटर हैंडल पर अपने कि जो कैंडिडेट्स का के एग्जाम नहीं हो पाया है वन कैंडिडेट्स का उनके लिए नई जो डी स्केड्यूल की जाएगी फ्रेश डेट और अभी वो फ्रेश डेट अनाउंस हो चुकी है मैं आपको बता देता हूँ और कैंडिडेट्स के लिए भी ये चीज़ है देखो यार आप लोग पढ़ते हो मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी को बहुत पास से देखते आ रहा हूँ पिछले ढाई तीन साल से तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है अगर इन केस अगर आप पूरे सेंटर में ये चीज़ होती है कि अगर आपका सिस्टम नहीं चला तो जो जेके एस एस बी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका फर्ज बनता है वो रिस्कड्यूल करेंगी चीज़ें को चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आप लोग पैनिक मत क्रिएट करिया करें क्योंकि उससे क्या होगा उससे अब वन फोर्टी टू कैंडिडेट्स में मान लो दस से बीस लोग ऐसे होंगे जो बहुत दूर से आए हैं फार एरिया से भी आए थे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि हमारा चांस ख़त्म हो गया तीन महीने की मेहनत ऐसा नहीं है आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है आपको मैंने हमेशा यहाँ पे एक चीज़ सिखाई है एक चीज़ समझाई है कि आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ पास होने की तैयारी नहीं करनी आप लोगों को हर एक चीज़ को फ़ेस करने के लिए तैयार रहना है फिर अगर जैसे आज आप लोगों के साथ ये चीज़ हुई है जो आपका सिस्टम नहीं चले या सर्वर टेक्निकल इश्यूज आ गए या फिर अगर आप लोग कल को मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की लाइफ आप लोगों की जो जो पूरा एक प्रोसेस है ये बहुत लंबा है आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी मैं मानता हूँ मेरे लिए अभी आज की डेट में कहना बहुत आसान है लेकिन उस समय जो बच्चे वहाँ पे थे बहुत नर्वस हो जाते हैं क्योंकि बहुत देर से वो मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं तो और एग्जाम के टाइम पे ऐसी चीज होती है तो पैनिक ऑब्वियस है हो जाता है बट आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिया करें जैसे अभी अब आप मैं आपको बता देता तो हूँ आपका एग्जाम कब होगा जिन लोगों हो का तब पोस्टपोन हो गया था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी आज ये आया है इंपॉर्टेंट नोटिस ये आप लोगों के लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन वन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करनी है ताकि इन लोगों को पता चल जाए बहुत सारे लोग इतने अवेयर नहीं होते तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है जो आज था अठारह अगस्त को जो जेके आई टी इंस्टीट्यूट में होना था ग्रेटर कैलाश में फर्स्ट शिफ्ट ही थी अभी आज ये एग्जाम की तो ये आप लोगों का जो है सी बी टी एग्जाम ड्यू टू टेक्निकल स्नैग तो ये कहा गया है जिस वजह से नहीं हो पाया तो ये अब आपका 25 अगस्त के दिन होगा साढ़े बारह से लेके ढाई बजे के बीच और ये होगा कहाँ ये होगा इशाल ऑनलाइन सर्विसेज अबव जे एंड के बैंक नियर मक्का मस्जिद बठिंडी अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वीडियो में ही पहले क्लियर कर दूँ जो इशाल ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये दो हैं आ, वहाँ पे सेम लोकेशन पे ही हैं थोड़ा सा दू, थोड़ी दूर है अगर आप लोग पहुँचेंगे वहाँ पर आप लोग पहले एक बार कन्फर्म कर लेना एक घंटा पहले एग्जाम हॉल में से पहले पहुँच जाना साढ़े बजे वहाँ पहुँच जाना ये दो है कंफ्यूज मत होना पास पास ही ये दोनों लेकिन एक, ए, लास्ट मिनट में अगर आपको पता चलेगा आपका सेंटर ये नहीं है ये मैंने जेके बैंक के एग्जाम में देखा था मैंने खुद छह से सात बच्चों को जो वहां पे सेंटर था दूसरा वहां पे छोड़ा था तो ये चीज आप कंफर्म कर लेना ये किसी के साथ भी हो सकती है मैं आपको पहले ही एक चीज बता रहा हूं आराम से आप लोग बिना टेंशन के आप पढ़ाई ये पढ़ाई करें आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया है आपको एनालिसिस मिल जाएंगे हमारे चैनल पर ही कैसा पेपर आ रहा है तो घबराए मत बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था आज वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला लेकिन मैंने हर जगह पे पोस्ट कर दिया था तो आप लोगों का एग्जाम 25 अगस्त को होगा नीचे लिस्ट भी है तो आप लोग ये सब के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन भी लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कोई भी ऐसा अपडेट या होता है जेके एस की तरफ से अगर हम लोग वीडियो पे नहीं लेके आ सकते तो हम लोग अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक या जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ पे ये डाल देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें मिल जाए जेके SSB भी अपने एंड से कोशिश करता है हम भी करते हैं अगर आप लोगों को चैनल आ, पसंद आता है या आप लोगों को जे एंड के रिलेटेड हर एक अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे और ये वीडियो इन ये ये लिस्ट में अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आप लोग हर एक बच्चे के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ा पैनिक कम हो जाए या जो लोग स्ट्रेस में हैं इस समय उनका भी स्ट्रेस कम हो जाए कि एग्जाम आपका टाइम पर ही होगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई टेक केयर ऑल द बेस्ट अंजुम सर की क्लास अभी चल रही है मैं बीच में अपडेट लेके आऊँ उसके लिए भी सॉरी तो आप लोग वो क्लास भी देख सकते हैं Okay guys, bye bye, take care, all the best.